हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेरी गुड। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम पिछले लेसन का थोड़ा रिवीजन करेंगे। पिछले लेसन में बच्चों हमने सीखा था अर्लियर एंड लेटर। अर्लियर का मतलब होता है पहले और लेटर का मतलब होता है बाद में। बच्चों हम लोग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बहुत सारे काम करते हैं, एक्टिविटीज करते रहते हैं, जैसे ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करना, यूनिफॉर्म पहनना, स्कूल जाना, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है जो हम लोग दिन भर करते हैं। और उन सारी एक्टिविटीज में एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, जैसे कुछ काम पहले करना पड़ता है और कुछ काम बाद में करना पड़ता है। तो जो हम एक्टिविटी पहले करते हैं उसको हम कहते हैं अर्लियर एक्टिविटी, और जो हम बाद में करते हैं उसे कहते हैं बाद में की जाने वाली एक्टिविटी या लेटर की जाने वाली एक्टिविटी। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे, चलो थोड़ा उन एग्जांपल्स को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। बच्चों इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इसमें सुबह उठने से लेकर स्कूल जाने तक बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई हैं। जैसे पहले पिक्चर में जो लड़की है वह ब्रश कर रही है, दूसरे पिक्चर में वह ब्रेकफास्ट कर रही है, तीसरे पिक्चर में लड़का सॉक्स पहन रहा है, और चौथे पिक्चर में शूज पहन रहा है, और पांचवें पिक्चर में स्कूल बस में बच्चे बैठे हैं, और छठे पिक्चर में बच्चे क्लास में हैं। वेरी गुड। तो बच्चों इसमें जो सारी एक्टिविटीज दिखाई गई हैं, इनमें सारी एक्टिविटीज एक साथ नहीं होती हैं, कुछ पहले होती हैं कुछ बाद में होती हैं, सबका एक निश्चित क्रम होता है। तो हमें आज यही सीखना है कौन सी एक्टिविटी पहले होती है और कौन सी एक्टिविटी बाद में होती है। हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। इस पिक्चर में देखिए बच्चों, लड़की ब्रश कर रही है और दूसरे पिक्चर में ब्रेकफास्ट कर रही है। वेरी गुड। तो आपको बताना है सबसे पहले हम क्या करते हैं सोकर उठने के बाद, ब्रश करते हैं या ब्रेकफास्ट? वेरी गुड, सबसे पहले हम ब्रश करेंगे, उसके बाद ही हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अर्लियर हमने क्या किया, अर्लियर हमने ब्रश किया, वेरी गुड, और उसके बाद हमने क्या किया, ब्रेकफास्ट यानी लेटर हमने क्या किया, ब्रेकफास्ट किया, और उसके पहले हमने क्या किया, ब्रश किया। तो ब्रश करने की एक्टिविटी जो है वह अर्लियर है और ब्रेकफास्ट करने की एक्टिविटी लेटर है। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं बच्चों, अच्छे से समझेंगे। इस पिक्चर में देखो बच्चों, जो लड़का है छोटा सा, वह पहले पिक्चर में सॉक्स पहन रहा है और दूसरे पिक्चर में शूज पहन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉक्स पहनेंगे या शूज पहनेंगे? वेरी गुड, सबसे पहले हम सॉक्स पहनते हैं और सॉक्स पहनने के बाद ही हम शूज पहनते हैं। तो अर्लियर एक्टिविटी कौन सी हुई, सॉक्स पहनने की। तो अर्लियर कौन सा हुआ, ए पिक्चर, क्योंकि इसमें बच्चा सबसे पहले सॉक्स पहन रहा है, और जो लेटर है यानी बाद में क्या किया, उसने शूज पहना। तो लेटर वाली एक्टिविटी कौन सी है, शूज पहनने की। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं बच्चों, यह है देखो बस, बस में बहुत सारे बच्चे हैं, और दूसरा है स्कूल, स्कूल का क्लासरूम जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बच्चे कहाँ जाते हैं, बस में जाते हैं, और बस से स्कूल जाते हैं, स्कूल से फिर क्लासरूम में जाते हैं। तो पहले कौन सी एक्टिविटी हुई, बस में बच्चे जाते हैं, अर्लियर एक्टिविटी, बस से बच्चे स्कूल जाते हैं, और लेटर एक्टिविटी क्या है, बच्चे क्लास में पढ़ाई करते हैं, बस से जाने के बाद स्कूल जाते हैं, स्कूल से क्लास में अपने अपने जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं बच्चों समझने के लिए अर्लियर और लेटर को। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में देखिए क्या लिखा है, मॉम मेड चपाती अर्लियर, सबसे पहले मॉम क्या करती है, चपाती बनाती है, लेटर सी रोस्टेड इट, उसके बाद मॉम क्या करती है, उसे
सेंकती है तवे पे, रोस्ट करती है। नेक्स्ट पिक्चर देखिए बच्चों, रमा वोर हर सॉक्स अर्लियर, रमा ने अपने सॉक्स को पहले पहना। लेटर सी वोर हर शूज, और सॉक्स को पहनने के बाद उसने शूज पहना। तो पहली एक्टिविटी अर्लियर एक्टिविटी क्या थी, उसने सॉक्स पहना रमा ने, और उसके बाद उसने शूज पहना। लेटर एक्टिविटी क्या है, शूज पहना। नेक्स्ट पिक्चर बच्चों, यश वियर्स हिज हेलमेट अर्लियर, सबसे पहले यश ने अपना हेलमेट पहना। लेटर ही राइड्स हिज बाइसिकल, उसके बाद उसने अपने साइकिल चलाई। तो बच्चों आपको अर्लियर एंड लेटर ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते अपने अगले लेसन की तरफ, उसका नाम है वन एंड मेनी। वन ओ एन ई एंड मेनी, एम ए एन वाई, वन एंड मेनी। एक बार आप लोग स्पेलिंग मेरे बाद बोलोगे, ओ एन ई वन, फिर से बोलिए ओ एन ई वन, मेनी एम ए एन वाई, मेनी। एक बार फिर से एम ए एन वाई, मेनी। वन का मतलब होता है बच्चों एक, और मेनी का मतलब होता है एक से अधिक। जैसे मेरे पास एक कितने फिंगर है, वन फिंगर है, और एक कितने फिंगर्स है, फाइव फिंगर्स, यानी वन से ज्यादा हो गया तो मेनी फिंगर्स है और ये वन फिंगर है। तो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे पास ये बॉल कितना है, एक बॉल है, वेरी गुड, एक बॉल, और ये क्या है, ढेर सारे बॉल, यानी मेनी बॉल्स, इसको क्या कहेंगे, मेनी बॉल्स, और इसको क्या कहेंगे, वन बॉल, वेरी गुड। पेंसिल मेरे पास कितनी है, एक, वेरी गुड, वन पेंसिल, और ये कितनी पेंसिल्स है, मेनी पेंसिल्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। तो आपको वन एंड मेनी में डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। वन का मतलब होता है एक, और मेनी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ढेर सारा। तो इस पिक्चर में ध्यान से देखो बच्चों, आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो पिक्चर्स हैं यहाँ पर, एक ये ब्रश दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ब्रश है और यहाँ पे ढेर सारे ब्रशेस हैं, वन टू थ्री फोर, यानी मेनी ब्रश है। यहाँ पे वन ब्रश है और यहाँ पे मेनी ब्रश है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द पिक्चर शोविंग वन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट, एक चीज जो दिखा रहा है दोनों पिक्चर में, एक चीज किस में है, इसमें है या इसमें है, वेरी गुड, इसमें एक ब्रश है, इसको हमको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट पिक्चर हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो दो पिक्चर्स हैं, वन एंड टू। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द पिक्चर शोविंग मेनी ऑब्जेक्ट्स, यानी जिस पिक्चर में ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं या अनेक ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको सर्कल करना है। तो किस में है, मेनी ऑब्जेक्ट्स, इस पिक्चर में, गुड, इसको हमें क्या करना है, सर्कल करना है। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं बच्चों, इस पिक्चर में देखो एक पिक्चर और दूसरा पिक्चर, पिक्चर किसका है, फ्लावर का है, एक फ्लावर और ढेर सारे अनेक फ्लावर, वन फ्लावर एंड मेनी फ्लावर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द पिक्चर शोविंग वन ऑब्जेक्ट, तो जिस पिक्चर में एक ऑब्जेक्ट है उसे हमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो इसमें वन ऑब्जेक्ट है या इस पिक्चर में है, गुड, इस पिक्चर में एक फ्लावर है यानी वन ऑब्जेक्ट है, इसे हमें क्या करना है, सर्कल करना है। समझ में आ गया ना बच्चों, वन एंड मेनी, अगर एक होगा तो हम कहते हैं उसे वन, और अनेक होगा तो हम उसे कहते हैं मेनी ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों आपको वन एंड मेनी समझ में आ गया,
वेरी गुड, वन का मतलब होता है एक और मैनी का मतलब होता है अनेक यानी ढेर सारे। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ और कुछ पिक्चर्स बनाऊंगा, आपको देखकर बताना है वन है या मैनी है। ध्यान दीजिए सब लोग, जैसे इधर मैंने क्या बनाया देखिए, फिश, वन फिश, और यहाँ पे मैंने कितनी फिश बनाई, वन टू थ्री, थ्री मीन्स मैनी फिश, वन फिश एंड मैनी फिश, ये क्या मैंने बनाया देखो बच्चों, काइट, क्या है काइट, कितना काइट है वन, वेरी गुड, यहाँ पे कितने काइट्स हैं, वन टू थ्री एंड फोर, फोर काइट्स है यानी मेनी काइट्स है, वन काइट एंड मेनी काइट्स, वन फिश एंड मेनी फिशेस, वेरी गुड। अभी एक लास्ट, ऐसे मैंने यहां क्या बनाया, वन बॉल, और इधर कितने बॉल्स हैं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव बॉल्स, वन बॉल एंड मेनी बॉल्स। बच्चों आपको जो होमवर्क दिया जाएगा उसको टाइम पर कंप्लीट करना है और घर पर रहकर अच्छे से अभ्यास करना है।